नाम मेरा भागीरथ है। भागीरथ। भागीरथ जी, आप क्या समस्या लेके जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं? सर, मैं एक खोखा चलाता था जिससे मैं अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहा था जी, जिसे ADA ने हटवा दिया गया है। क्यों हटवाया ADA ने? सर जी कह रहे थे हमारी ज़मीनें खाली करो जी। सर मेरा खोखा फुटपाथ पे था जी, फिर भी उन्हें जबरदस्ती हटवा दिया, तार फार खींचेंगे खिंचवा दिए गए हैं जी। मैं यहाँ पे आया कार्यालय, कहाँ चलाते थे, कि जगह कौन सी है वो, कहाँ रखा था? मेरा सिकंदरा से आगे हिंदुस्तान प्रेस के सामने जो फ्लाई ओवर है उसके नीचे रखा हुआ था। अच्छा, वो वहाँ पे चला रहा था जी। कम से कम 12 साल से मैं खूब अच्छा पालन पोषण चल रहा था, और जिसे 27 तारीख को हटा दिया गया है, जिसे एक महीना कुछ दिन हो गए, उस दिन से मैं सारे हटाए गए थे वो होटल वेटल सब हटा दिए गए हैं सर जी। तो मैं उस दिन से बेरोजगार हो गया हूँ सर, मैं हाथ पे हाथ धर के बैठे हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग डिफ्रेंसम हो गया है। तो मामले को लेके आप ADA गए थे? ADA भी गया सर मैं। BCC भी लेते? मिला था। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कह दी हमारी जमीन है, मैंने खाली करवा ली गई है, आप कहीं अंत देख लीजिए। अच्छा। मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँगा अब, तो उन्होंने कही कहीं भी देख लीजिए। यहाँ तमाम अवैध निर्माण चल रहे हैं, ADA उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा, और आपका खोखा हटा दिया, क्या कहना चाहेंगे बारे में? सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मेरे खोखे से क्या परेशानी थी, कोई अड़सन नहीं थी, कुछ नहीं थी, ये फुटपाथ पे रखा हुआ था, उसे क्यों हटवा दिया गया? सर मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था उससे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे, 3 लड़की 1 लड़का है जी। कितने बड़े हैं वो? सबसे बड़ी लड़की है मेरी 14 साल की, उससे सब छोटे हैं। ठीक है।